अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ अज़ीज़ और प्रोग्राम है एक्सक्लूसिव विद रियाज़ अज़ीज़। नाज़रीन, आज मेरे साथ हैं डॉक्टर नजम नज़ीर भट्टी साहब। आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन एक अहम बात है इनके हवाले से जो मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ और इनसे डिस्कशन भी अभी मैं आपके सामने करूँगा कि ये फालिश का इलाज करते हैं और फालिश जो बहुत महंगा इलाज है पाकिस्तान में, अगर आप आम होम्यो के अलावा यानी आप एलोपैथिक अगर इलाज कराएं उसका तो बहुत महंगा फालिश का इलाज होता है कि आदमी दोबारा से रिकवर कर जाए। तो ये फालिश का इलाज करते हैं और वो महंगा भी नहीं है, यानी चंद सौ रुपए में ये इलाज हो जाएगा और उसमें ज्यादा टाइम भी 15 से 20 दिन का टाइम ये कहते हैं कि लगता है उसमें। तो इनसे बात करते हैं कि क्या इसमें जादुई तरीकीब इस्तेमाल करते हैं और कैसे ये इनका पेशेंट सही होता है। इसके अलावा भी मुतअद्दिद अमराज का ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं, इनका डायग्नोस जो है बहुत अच्छा है। ये सारे यहाँ जहाँ मैं इस वक्त बैठा हूँ इस पूरे इलाके में ये इसी हवाले से मारूफ हैं और इनको जाना जाता है कि इनका डायग्नोस बहुत अच्छा है और ये बड़ा अच्छा इलाज करते हैं तमाम ही बीमारी को, लेकिन स्पेशलिटी फालिश के इलाज के हवाले से हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्टी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने ये जो क्लिनिक अपना है ये कब से है, कब से रन कर रहे हैं, कौन कौन से आप अमराज का इलाज करते हैं? मैं फालिश के ऊपर आता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं उसके ऊपर। इब्तदाई में थोड़ा सा तारुफ नाज़रीन के लिए। स्टार्ट तो मैंने 92 में किया था। अच्छा, 1992 में, लेकिन उसके साथ बस वक्त गुजरता गया, सारी चीजें होती गई। फिर यहाँ पे हम 97 पे आए, 97 में जब आए उसके बाद फिर इधर से हमने स्टार्ट लिया। अभी हमें कम से कम जो है ना 35 साल हो गया इस जगह पे, 35 ईयर्स। अच्छा, और काम कर रहे हैं और बड़ा अल्लाह का करम है कि जो मरीज आते हैं वो शफायाब की मेहरबानी से शफायाब होते हैं, हमारा कमाल नहीं है ये उस मौला। अच्छा, इसमें मैं कौन कौन सी बीमारियां जो बहुत क्रिटिकल होती हैं जिसका एलोपैथिक में इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है या महंगा होता है? मुश्किल अगर मैं ना कहूँ तो महंगा तो कम, बहुत महंगा होता है, लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं होता। कौन कौन सी बीमारियों का इलाज? बेसिकली जो बात असल में करने वाली है ना, होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत सारे कमजोर दिल होते हैं। वो इसलिए कमजोर दिल होते हैं कि छोटा सा उनका क्लिनिक होता है और वो कहते हैं कि एक आदमी हार्ट अटैक आ गया उसको कैसे हैंडल करेंगे, एक आदमी जो ना वो पेन का आ गया उसको कैसे हैंडल करेंगे, एक आदमी ब्रेन हैमरेज का आ गया उसको हैंडल, वो उससे पहले ही उनके नाम सुनने के बाद ही भाग जाते हैं, वो पेशेंट को लेते ही नहीं है। जरूरी यह है कि वो उस पेशेंट को लिया जाए, उसकी हिस्ट्री ली जाए और उसको वही दवाई दीजिए होम्योपैथिक तरीके से जो बनती है। होम्योपैथिक तरीका साइन एंड सिम्टम्स का है। जब आप बड़े गौर से सारे सिम्टम्स लेते हैं तो यकीनन मरीज को उसी वक्त देंगे वो विद इन 10 मिनट्स उस पर दवाई काम करना शुरू कर देंगे, विद इन 10 मिनट। लेकिन ये एक तासुर जो है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से कि आप ये एक हफ्ता खाते रहो फिर कहीं इसका असर शुरू होता है, आप 10 दिन खाते रहे, इस तरह की जो बातें हैं वो आप कहने के गलत है। देखो है, मैंने जैसे आप फालिश के हवाले से बात कर रहे हैं, हम उस पर आते हैं पहले, मैं थोड़ा सा इसको जैसे हम आम कोई भी मर्ज आता है ना, लोगों का परसेप्शन यही है कि होम्योपैथी देर से काम करती है, लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स उसको दवाई देंगे और ट्रू मेडिसिन उसकी जाएगी तो वो विद इन 10 मिनट्स अपना काम शुरू कर देती है। विद इन 10 मिनट्स। अच्छा, और ये बड़ा खास चीज है, अगर उसको आपने ट्रू मेडिसिन दे दिया। अच्छा, और हमने इधर देखा है, मेरे पास इधर हार्ट अटैक के काफी सारे लोग आते हैं, वो जो जानते हैं बहुत ज्यादा हार्ट अटैक की कंडीशन में या थोड़ा सा अटैक एंजाइटी शुरू होती है, वो परेशान होता है बीपी। नहीं, मेरा क्वेश्चन एस्टैब्लिश होने दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि हार्ट अटैक के पेशेंट आते हैं, हार्ट अटैक के वो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आ गया उसी वक्त जो या उसके बाद वो कहीं इलाज विलाज करा के मिला के आपके पास? अभी स्ट्रोक शुरू हुआ है तो इधर ही करीब थे, उन्होंने कहा जी हमें तो पेन हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है, हम बेचैन है, हमें बस जल्दी करो, हमें ले जाओ वो। तो उनको भी मैंने इधर दवाई दी है और 10 मिनट्स के बाद वो मेरे साथ बातें कर रहे होते हैं। अच्छा, रिलैक्स हो गए? बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। बेसिकली तो हमने उसको सबसे पहले उस एंजाइटी से, उस परेशानी से निकालना है
कि वो बंदा मेरे साथ बातें करने के काबिल तो हो जाए ना। जब वो इस काबिल हो जाएगा उसके बाद फिर जो मेडिसिन आप देना चाहते हैं वो देना शुरू कर देंगे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यानी उसको इनिशियली इस तरह की दवा दी जाती है जो फौरी तौर पर उसको रिलैक्स कर, उसको रिलैक्स करेगी और उसके बाद उसका इलाज शुरू होगा, ये करें आप? वो भी इलाज का हिस्सा है। अच्छा, वो इलाज का हिस्सा है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम लगता है। बाकी देखो, एक आदमी के जो हार्ट के अंदर इनर आर्टिस्ट ब्लॉक हैं, उसको तो आपने एक टाइम लगता है ना। ये तो नहीं कि फौरी तौर पे आप कहेंगे कि बस ये अभी दवाई दी है 10 मिनट बाद आर्टिस खुल जाएंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके लिए टाइम लगता है, वो आप दवाई देंगे वो उसके अंदर जो आर्टिस के अंदर ब्लॉकेज आई है वो आहिस्ता आहिस्ता, वाल्व के अंदर जो ब्लॉकेज आई है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मसला है कि लोग बिलीव नहीं करते ना कि एक हार्ट पेशेंट है, हार्ट अटैक का पेशेंट है, तो वो लेके उसको कार्डियो भागेंगे, कार्डियो के अस्पताल। बिल्कुल वो क्यों भट्टी साहब के पास आएंगे? तो आपने इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया है कि लोग हार्ट पेशेंट को भी आपके पास ले आते हैं? शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है कि लोग आते हैं तो वो सब मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, और मैं जब उन्हें कहता हूँ कि आप ठीक हो जाएंगे, मैं आपको दवाई दे रहा हूं, तो अल्लाह की मेहरबानी से आप ठीक होंगे, और यकीनन वो उसी वक्त ही जब मैं कहता हूं तो उनके वो बात दिल में उतर जाती है, तो वो कहते हैं ठीक है जी, हमें दवाई दें। अच्छा, इसमें दवा का ज्यादा अमल दखल होता है या अकीदे का? क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से कंट्रोल हो रही है हमारी बॉडी में, एक आदमी को अकीदा ही नहीं है होम्योपैथिक मेडिसिन का, तो क्या उस पर भी होम्योपैथिक मेडिसिन असर करती है? देखो, पहली बात तो हमारे पास वो आदमी आता ही नहीं है जिसका होम्योपैथी पे बिलीव नहीं है, वो इस दरवाजे से, इस गेट से इंटर नहीं। अगर किसी ने मतलब दोस्त यारों के कहने पे बाजार लोग आ जाते हैं या घर वालों के कहने पे आ जाते हैं कि भाई चलो वो अच्छा इलाज करते हैं, अब आ गया, अब उसको यकीन नहीं है लेकिन वो खाता है दवा, तो क्या उसकी ये साइकी कि उसको यकीन ही नहीं है मेडिसिन पे, उसके बावजूद वो मेडिसिन खा रहा है, तो असर करेगी उसको? यकीनन करती है, दवाई तो दवाई है। अच्छा, वो अपना असर करेगी, वो दवाई तो अपना काम करना है। हाँ, देखो आप किसी आदमी को खाना खिलाते हैं भूखा है तो उसके पेट में जाएगा, उसको सुकून होगा। हाँ, तो जिस बीमारी में ये जो कॉन्सेप्ट है कि होम्योपैथिक मेडिसिन उस वक्त असर करती है जब आप उस पर यकीन भी रखें, अकीदा भी रखें, आप ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है? ऐसी बात नहीं है, आपने उसको डायग्नोज करने के बाद सिम्टम्स एंड साइन एंड सिम्टम्स, जब डायग्नोज करने के बाद दवाई दे दी है तो वो उसी वक्त दवाई काम करना शुरू कर देती है। और जैसे मैंने बताया कि ये पैरालाइज पेशेंट थोड़े से परेशान भी होते हैं। एक सवाल और, एक दो सवाल और मैं उससे पैरालाइज पे आने से पहले करना चाहता हूँ। ये बताइए सर कि ये जो दवाएं होती हैं आपके पास, इसमें एक जर्मनी से आती है दवा, एक यहाँ लोकली बनती है, तो इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है आपकी दवा में, और यानी लोकली मेड दवा में और जर्मन से जो आ रही है उस दवा में क्या फर्क है? कीमत तो जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, इसका फर्क तो जरूर होता है कि एक बार से ट्रेवल करके आती है एक हमारे पास, लेकिन मैं ट्रस्ट करता हूँ कि हमारे पाकिस्तानी मेडिसिन और हमारे पाकिस्तानी फार्मासिस्ट बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इस फील्ड में बहुत मेहनत की है, और हमारी पाकिस्तानी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, उन पर अगर हम ट्रस्ट करें तो वो काबिल एतमाद हैं। अच्छा, आप समझते हैं कि, अच्छा मैं अगर एक कंपैरेटिवली बात करूँ आपसे, एक जर्मन मेडिसिन रखी है जिसकी कीमत 500 रुपये है, एक लोकल मेडिसिन रखी है मसूद की या एनी अदर कंपनी, वो उसकी कीमत है 100 रुपये। अब ये 400 रुपये का डिफरेंस है। जो आप जैसे डॉक्टर है वो कहते हैं काम एक जैसे ही करती हैं दोनों दवाएं, तो ये बात सही है? देखो, जो उनका तरीकेकार ना बनाने का, वो सोफेस्टिकेटेड है, वो एक ऑलरेडी उसका बना हुआ है परफॉर्मेंस जिसके मुताबिक हमने दवाई बनानी। जो जर्मन नहीं, मैं जर्मन की, जर्मन स्टैंडर्ड भी उसी तरह ही बनती है, हमारी भी उसी तरह बनती है, कोई डिफरेंस नहीं, कोई डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ उसका फायदा ये होता है कि उनकी जो पैकिंग है उसको लेना आसान होता है और उसको सेव करना आसान होता है। अच्छा, ठीक है ना, जो हमारी लोकल मेडिसिन होती हैं उनकी पैकिंग इतनी अच्छी नहीं होती, उनको सेफ इतना नहीं किया जा सकता, लेकिन वो काम उतना ही करती हैं।
अच्छा काम उसी तरीके से काम करते, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। अभी कह रहे हैं आप जर्मन यूज करें या ब्रिटिश यूज करें, एज ए पाकिस्तानी मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं पाकिस्तानी दवाइयां यूज करता हूं और मैं आप ज्यादातर पाकिस्तानी करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, इसमें एक और सवाल कि इसमें जो कंपाउंड बनाया जाता है उसकी कितनी अहमियत होती है, मानी तीन चार दवाओं का मिला के एक कंपाउंड बना के फिर आपने कह दिया, और वो लोग कहते हैं मीठी मीठी गोलियां सबको एक जैसा दे देते हैं लेकिन उसकी दवा में फर्क होता है। नहीं, क्या डिफरेंस? कंपाउंड जो ना बेसिकली होम्योपैथी में दवा नहीं देना चाहिए। अच्छा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हर आदमी की एक मेडिसिन उसके मजाक के मुताबिक, उसकी तबीयत के मुताबिक और उसकी बीमारी के मुताबिक। नहीं तो इसमें तो ये ना, एक आदमी को पांच बीमारियां हैं तो उसमें कंपाउंड नहीं होता। नो, 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 पांच बीमारियां एक ही बीमारी में आ सकती हैं। अच्छा पांच बीमारियां उसके साइन एंड सिम्टम और सिम्टम्स एक ही बीमारी में जमा हो सकते हैं और उसको एक दवाई दी जा सकती है। हाँ हमारे यहाँ कई दफा थोड़ा सा अपनी सहूलत के लिए ये कहते हैं कि जो मेडिसिन एक सिंगल में हमने दे दिया सबसे पहले उसने अपना काम किया, उसके बाद हमने एक पैकेज देना होता है वो उसको देते हैं, उस पैकेज के तहत वो एक दो दवाइयां दे दी, कोई बायो की दे दी, वो फिर खाते हैं तो उनको भी महसूस होता है मरीज को कि मैं कुछ ना कुछ खा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं आता हूँ अपनी असल मौजू के ऊपर जिसके लिए मैंने ये इंटरव्यू आपका करने की कोशिश की, आपसे टाइम लिया। जी जी, ये बताइए कि ये फालिज एक क्रिटिकल पेशेंट होता है, उस वक्त उसको उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती है, उसको लाने वाले लोग होते हैं बिल्कुल उसको, तो यहाँ आपके पास आता है, आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं और क्या उसके अंदर आपने एडॉप्शन होती है? देखो जनरली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इसी तरीके होता है कि उसको वो ऐसी कंडीशन में होता है वो खुद से ना चल सकता है ना बैठ सकता है ना, उसको अमूमन लोग लाते हैं और उसको हम देखते हैं उसके साइन एंड सिम्टम देते हैं, अगर वो बोल सकता है तो वो हमें बता सकता है कि मुझे ये हो रहा है ये हो रहा है। फालिज में तो आमतौर से बोलने की काबिल नहीं होता, कई दफा बोलने के काबिल होता है लेकिन अगर नहीं है तो फिर हम उसके साइन एंड सिम्टम्स उसके चेहरे से उसके बॉडी से उसके हरकत से, जैसे बाजू उसकी हरकत नहीं कर रहा, उसका पाँव नहीं हरकत कर रहा, उसकी जबान नहीं हरकत कर रही, वो देखने में उसे कुछ मुश्किल हो रही है, वो सारी चीज़ें करने के बाद हम उसको जो ना हाथ लगाते हैं चेक करते हैं कि उसका बाजू राइट वाला नहीं काम कर रहा लेफ्ट वाला नहीं काम कर रहा, उसके मुताबिक फिर दवाई उसको जो ना डायग्नोज करके दे देते हैं। अच्छा ये कितने, फिर वही बात है कि 10 मिनट में वो दवा अपना उसी तरह ही 10 मिनट के बाद ही रिपीट करेंगे। अच्छा कितनी कितनी देर, मतलब आपके पास एक अगर फालिज का पेशेंट आता है कितनी देर आप उसको अपने पास रखते हैं फिर कहते हैं फालिज के मरीजों को हम दवाई दे के फिर ऑब्जर्वेशन भी पेंड करते हैं, 15-20 आधे घंटे के बाद उसको जो ना भेज देते हैं घर भेज देते हैं घर भेज देते हैं फिर वो मुसलसल आने पर वो शुरू में जब दवाई खाता है उसके अंदर जो एंजाइटी जैसी कैफियत होती है ना वो खत्म हो जाती है, उसका बीपी वगैरह थोड़ा जो हाई होता है उसके लिए हम थोड़ी मेडिसिन दे देते हैं कि इसको डाउन किया जाए, अगर शुगर है उसके हवाले से कुछ मेडिसिन दे देते हैं वो दे देते हैं, तो जो ही वो घर जाता है उसका बीपी और शुगर डाउन होते हैं, इतना टाइम थोड़ा लग जाता है, वो उसके बाद अच्छा फील करना शुरू करता है, वो कहता है मेरा हाथ थोड़ा सा हिलना शुरू हो गया, वो खुद ही कोशिश उसका उसी वक्त मतलब सेम डे। हाँ सेम डे में। अच्छा अगर तो 3-4 घंटे में बंदा आ गया तो 3-4 घंटे में उस पेशेंट को अगले 4 घंटे में ठीक हो जाना चाहिए। होम्योपैथिक दवाई में इतनी ताकत होती है कि वो उस क्लॉट्स को क्लियर कर देती है बल्कि उसको डाइल्यूट पहले करती है। अच्छा बॉडी के अंदर जाके हाँ। उसको डाइल्यूट करने की सलाहियत रखती है हाँ। तो वो जब डाइल्यूट हो जाता है तो वो ब्लड का हिस्सा होता है। ठीक है तो जो वो डाइल्यूट होता है तो अपने सर्कुलेशन में ब्लड सर्कुलेशन में इंटर हो जाता है तो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो सर ये तो देखिए इसका इलाज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हो रहा है और वो क्लॉट निकालने के लिए अब तो उन्होंने जदीद तरीके से वो उसका इलाज करते हैं। अभी मेरे एक दोस्त को फारिज हुआ, मेरा जर्नलिस्ट दोस्त है, उसको यहाँ पर ही जो
आर्मी का हॉस्पिटल है वहां लेके गए, तकरीबन 8 लाख रुपए उसके ऊपर खर्च हुए। अभी भी वो प्रॉपर उसपे नहीं है। वो कहते हैं कि हमने वो उसके अंदर इंजेक्ट किया, एक इंजेक्ट के जरिए उसको क्लॉट को वहां से निकाला, यानी उसको वो ऑपरेशन का नाम देते हैं और वो क्लॉट निकल गया तो वो एक टारगेट करके हाँ, लेकिन वो मूवमेंट कर रहा है लेकिन फुल्ली अभी भी वो रिकवर नहीं कर सका। 8 लाख रुपए खर्च हुए उसके ऊपर, देखो, और टाइम लगा है तकरीबन 2 या 2.5 महीने। तो आप कह रहे हैं कि 15 दिन में 10 दिन में, या आप तो कह रहे हैं कि अगर वो अगर जैसे स्ट्रोक है ना, जिसको हम आप जनरली पाकिस्तानी या लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ब्रेन हेमरेज, स्ट्रोक जब होता है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो दिमाग को सप्लाई कर रही होती है वो ब्लॉक हो जाती है, या तो वो सप्लाई करने वाली आर्टरी शुरू में ही ब्लॉक हो जाती है, या अंदर जाके किसी जगह पे वो जब ब्लॉक होती है तो वो ब्लॉकिंग तो उसने की है, तो जब उसको उसकी तकलीफ के मुताबिक दवाई देते हैं तो वो उसको फौरी तौर पे जाके उसको डाइल्यूट करना शुरू कर देती है। अच्छा, और जो वो डाइल्यूट करना शुरू कर देती है उसके साथ साथ ही उसकी सारी सेंसेस बहाल होना शुरू हो जाती है। जो वो उसकी सेंस बहाल होना शुरू हो जाता है वो अपनी हरकत जो है ना वो देखना शुरू कर देता है, पहचानना शुरू कर देता है, सारी चीजें उसकी नॉर्मल पे। और अगर वो वेरी इनिशियल स्टेज पे आ जाए, वेरी इनिशियल स्टेज विद इन 2 or 3 hours, हाँ, वो अगर वेरी इनिशियल स्टेज पे 1-2 घंटे के अंदर आ जाए तो उसको शाम तक उसको नॉर्मल हो जाना चाहिए। अच्छा, शाम तक वो नॉर्मल हो जाना चाहिए। और उसके अगर फर्स्ट उसकी अगर स्कैन हो गया तो उसमें क्लॉटिंग आ गई है, स्कल में क्लॉटिंग आ गई है, तो उसको अगर 3rd दिन से 4th दिन जाके उसको स्कैन दोबारा करा लें, हाँ, तो उसका 75% वो क्लियर आ जाएगा। अच्छा, बड़ी बात है सर। मैं इसमें इससे जुड़े हुए 2-3-4 सवाल हैं कि नंबर एक तो ये कि दूसरे होम्योपैथिक डॉक्टर इसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं, और ये इतना ज्यादा आपको लोग जो है वो अप्रिशिएट तो करते हैं लेकिन वो आवाम में इतना ज्यादा क्यों ये मारूफ नहीं है मामला। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम सवाल ये है कि सर ये बताइए आपके ये मैंने बताया 8 लाख रुपए उस पर खर्च हुए लेकिन ही इज नॉट नॉर्मल एज येट, ये आप उसको तकरीबन साल हो रहा है इस बात, तो आप कितने पैसे लेते हैं, कितनी और कितने दिन का आप इलाज करते हैं? देखो जनरली हम तो कोई बहुत लंबा चौड़ा हमारा सिलसिला नहीं होता, हम एक नॉर्मली जैसे पेशेंट आया उसके दवाई दी उसकी फीस ली। कितनी फीस है वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ नाज़रीन को, हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। देखो ऐसा होता है कि जो अटैक के जितने स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं ना, जैसे जिसमें पैरालाइज भी है, इसमें 1.5-2 हज़ार में हम दवाई दे देते हैं फर्स्ट टाइम में। अच्छा, एमरजेंसी भी सारी डील करके 1.5-2 हज़ार में दवाई दे देते हैं और उसको कहते हैं ये 2-4 दिन खाएं, जो ही खत्म होगी तो हमें नेक्स्ट स्टेज पे आपने बताना है। तो उस वक्त तक पहले वो उसको लेके घर जाते हैं, फिर दूसरी दफा जब भी आता है वो खुद चल के आता है, और कई दफा मैं मजाक से भी कहता हूँ वो जरा मरीज किधर है जो लेटा हुआ था। अच्छा, मुझे पता भी होता है, फिर भी मैं कहता हूँ यार वो मरीज किधर है जो ही? वो कहते हैं जी ये बैठा हुआ है। अच्छा, तो मैं भी खुश होता हूँ, वो भी खुश होते है। ये बड़ी की मेहरबानी है, नहीं अल्लाह ताला यकीन है अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो ये सारी बातें मुमकिन ही नहीं है। तो इसमें जो जो दूसरी बात मैंने आपसे की कि ये फिर ये अवामुन नास में इतना मकबूल क्यों नहीं है? हाँ, एक तो हम जदीद जो तरीकेकार हैं ना जो लोगों को पेशेंट को मुतासर करने के लिए होते हैं वो नहीं कर सकते, वो टेक्निकली भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे फर्ज करो हम टेस्ट के लिए कोई लैब बना ले, वो कहेंगे इसके लिए कोई बंदा जो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से पाबंदियां हैं उसकी वजह से ये इतनी हाँ, बात जो है हाँ, वो नहीं बढ़ा सकते, नहीं बढ़ा सकते हुकूमत की पाबंदियों की वजह से, हाँ, पाबंदियों की वजह से हम नहीं बढ़ा सकते। अच्छा, ये तो बड़ी और एक अल्ट्रासाउंड, अगर आपको हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि ये तरीका इलाज को अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं रख सकते। अच्छा,
वो भी नहीं रख सकते, वो उसके लिए एक स्पेशल ऑपरेटर होना जरूरी है। नहीं जाहिर है वो तो खैर ऑपरेट करने करने वाला होगा तो वो सारी चीजें जो है ना उसके लिए भी वो कहते हैं कि ये छोटे सारे क्लिनिक में आपने ये सारी चीजें क्यों रखी है। आप ये कह रहे हैं कि हुकूमती पाबंदियों की वजह से लोग हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि तो अगर हमें वो अगर आप करने लगे तो हुकूमत जो है इतराजात करती है, आपने फाइन कर देती है, इस तरह की सूरत हाल हो जाती है। हमारे जो काउंसिल होती है ये सारी अगर नहीं, तो आपकी जो एसोसिएशन है वो इस पे क्यों नहीं आवाज उठाती, एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान में आपकी? वो सारे करते हैं लेकिन पता नहीं क्यों नहीं करते। मतलब ये बात समझ में ना आने वाली है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान समझती है कि तरीका इलाज सही है तभी तो आपको लाइसेंस देती है ना, वो तभी तो आपको वो डिग्री अवार्ड करते हैं। अब डिग्री अवार्ड करने के बाद आप पे पाबंदियां लगा दे कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है? इसमें एसोसिएशन को बात करनी चाहिए ना आपकी। वो सारी चीजें मैं उसका जवाब आपको देता हूँ, होता ये है कि वो कहते हैं भाई आपका तो इलाज ही साइन एंड सिम्टम्स पे है, तो आप ये इक्विपमेंट की क्या जरूरत है, आप क्यों करते हैं? अच्छा। आप साइनेट सेंटर पे जाएं। अच्छा। तो ये हमारे फिर उधर आके प्रॉब्लम आ जाए। अच्छा, आप समझते हैं कि इसकी जरूरत होती है टेस्ट की, या आप समझते हैं कि साइनेट सेंटर ही काफी होता है? कभी कभी जरूरत पहले आपको बताइए ना कि इक्विपमेंट होना जरूरी है। जरूरी वो इसलिए जरूरी है कि जब पेशेंट आता है उसकी सेटिस्फेक्शन होती है कि मेरा ये भी टेस्ट हो रहा है, ये मेरे जो ना एंजियोग्राफी हो रही है, ये मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, ये उसको थोड़ी तसल्ली होती है। पेशेंट के अटेंडेंट भी ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, पेशेंट भी थोड़ा कुछ सोच रहा था मेरे लिए कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो अगर मैं सीधा सीधे उससे कहूँ कि भाई आप ठीक हो जाएंगे तो यकीन करने के लिए कितना सेटिस्फाइड होगा? अच्छा, वो तैयार ही नहीं होता। अच्छा, तो लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए ये सोचना कि जब मैं कह देता हूँ आप ठीक हो जाएंगे, वो उसी वक्त सोचना शुरू कर देते हैं कि बस आपने कह दिया तो बस हम ठीक हो जाएंगे। माशाल्लाह, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा अहम सवाल यह है कि आपने कहा कि फौरी तौर पर अगर पेशेंट आ जाए, यानी विद इन टू और थ्री आवर्स वो आ गया तो आपने इलाज किया, आप कह रहे हैं विद इन द सेम डे, विद इन सेम डे वो सही भी हो जाएगा, खड़ा भी हो जाएगा। सवाल मेरा ये है कि अगर कोई पेशेंट जिसको 3 महीने 2 महीने गुजर गए हैं स्ट्रोक को, वो आपके पास आता है तो फिर उसमें क्या रहा है? वो भी ठीक हो सकता है, उस पर फिर टाइम अपना लगता है। अच्छा, फर्ज करो 1 महीने के बाद आएगा तो उसको कम से कम 2.5-3 महीने लग सकते हैं, 2.5-3 महीने लग सकते हैं। चूंकि जो नर्व है उन पर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, उसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास एक जो लास्ट पेशेंट आया था वो 8 साल पहले, उसको 8 साल पहले, हाँ, तो वो किसी ने उनको बताया कि आप जरूर जाएं भट्टी साहब के पास, वो आपको दवाई देंगे। वो दो बंदे उनको जो ना पकड़ के लाए, तो हमारा छोटा सा क्लिनिक है तो वो दो बंदे उनको लेके आए तो बैठा दिया, तो उनसे बातचीत की, उसके बाद दवाई थी, और तकरीबन कोई 3-4 माह के बाद वो अब खुद से चल सकते हैं। अच्छा। और पिंडी में मौजूद है, माशाल्लाह चल सकते हैं, लेकिन उस साल 100% नहीं चल सकते। 8 साल के बाद जितने नर्व्स हैं वो सारे समझो के वो हिस्सा हो जाते कि, लेकिन फिर भी वो अपने जरूरी काम वो सारे खुद से करते हैं। पहले उनको अटेंडेंट की जरूरत पड़ती थी, अब वो जरूरी काम अपने सारे कर रहे हैं। तो मतलब ये 8 साल बाद अगर ये रिकवरी हो गई है तो ये अगर 3-4 माह के बाद भी बंदा आ जाए ना वो ठीक हो सकता है, और उसमें ये भी चांस है कि उसका कोई हिस्सा जैसे ये हाथ है टूटा हो जाता है, वो थोड़ा सा ऐसे हिला के रखते हैं वो भी ठीक हो सकते हैं, वो भी सही। हाँ, अगर देर ज्यादा हो जाएगी तो फिर उसमें बहुत सारे चांस कम हो जाते हैं, लेकिन अगर विद इन 1 मंथ भी आ जाए तो वो उसका कोई रिकवरी हो सकता है, जो ना रिकवरी मुकम्मल 100% हो सकती है। आपके अलावा भी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर पाकिस्तान भर में इस तरह का इलाज कर रहे हैं जैसे आप करते हैं? देखो, बहुत सारे लोग करते हैं, एक तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या फिर जो करना चाहते हैं वो इतना दिल भी इसके लिए बड़ा होता है। हौसला चाहिए। देखो, बंदा मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, तो मैं उसको
इस छोटा सारे उसको कह रहा हूँ कि इसको मैं दवाई दे रहा हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। तो वो जब ये सिस्टम ये बड़ी ये तो सर आप अपनी पूरी कम्युनिटी को कटेरे में लाके खड़ा कर दिया आपने कि वो डॉक्टर वो कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ये सही होगा या अगर ये इसको कुछ हो गया तो फिर मेरे ऊपर आ जाएगी सर। बिल्कुल देखो रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। देखो जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है, उसने सेहत देनी है। मेरा काम मेरी ड्यूटी ये है कि मैं उसको सिद्ध के दिल से अच्छी दवाई दूं। ठीक है ठीक, जब मैं दूंगा तो मेरा अल्लाह उसको शफा देगा। बेशक बेशक अल्लाह तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर भट्टी साहब आपने गुफ्तगू की। और नाज़रीन ये गुफ्तगू आपने सुनी, बड़ी अहम गुफ्तगू है। और ये खास तौर से जो कंपैरेटिव स्टडी एक करने की कोशिश की है मैंने एलोपैथिक इलाज की और होम्योपैथिक इलाज की फालिश के हवाले से, वहां 8 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं लेकिन पेशेंट जो है वो फुली रिकवर नहीं कर पा रहा। यहाँ 1500 रुपए खर्च हो रहे हैं और पेशेंट फुली वर्क भी कर रहा है, चल फिर रहा है, बोल भी रहा है, नॉर्मली बात कर रहा है। ये बड़ी बात है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है, बल्कि इनकी अपनी रिसर्च है होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से। और अल्लाह इनको जिंदगी सेहत दे और ये मामला इसी तरीके से बढ़ता चला जाए, बल्कि यकीनन इनके शागिर्द भी होंगे, ये अपने बहुत सारे शागिर्दों को सिखाएं जो पूरे पाकिस्तान में फैलकर इस तरह के मरीजों का इलाज करें जो कम खर्च हो और लोगों को उससे फायदा भी हो। ये सारी गुफ्तगू मैं आपके हवाले करता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।